गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेखा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं देखिए अभी निकल रही हूँ, आज दीदी के यहाँ हमारे शादी है उनकी लड़की का, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग सारे बहन, मतलब जितने भी हमारे घर रिलेटिव आए थे, ये सारे रिलेटिव अब उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि एक पर एक ही शादियाँ हैं। तो जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके भी रिश्तेदार हैं, सब लोग हम लोग फिर से अब वहीं पर मिलेंगे। तो मेरी बहन सारे लोग चली गई हैं और अब मैं यहाँ अपने ससुराल आई हूँ। वहाँ से मैं यहाँ जाऊँगी, मैं डायरेक्ट यहाँ से सिवान में उनकी शादी हो रही है, तो मैं डायरेक्ट सिवान ही पहुँचूँगी। बच्चे नहीं गए हैं तो बच्चे नाना नानी के साथ घर पे ही होंगे। नाना बोले कि मत लेकर के जाओ इन लोगों को, रात में बहुत ठंड लगी। अब दो चार दिन से काफ़ी ठंड बढ़ भी चुकी है, इसलिए बच्चे घर पर ही हैं। और मुझे तो मतलब बाइक से बहुत ही ज़्यादा, खैर बाइक से जितना मैं, फोर व्हीलर में मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन बाइक पर मुझे कम्फर्टेबल लगता है, तो मैं चली जाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए। और मैं दीदी की शादी का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उनकी लड़की का शादी है, आप लोग भी ब्लेसेस बहुत सारे दीजिएगा उसे। चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। देखिए पंजाबी लुक, फुल दिख नहीं रहा है पर पटियाला सलवार है और कुर्ता है ये फुल का। और ये देखिए मैं चूड़ा वाला सब कुछ मैं इधर ही पहन ली हूँ, कि रात को सिर्फ मुझे साड़ी ही चेंज करना होगा, बस इसको निकालूँगी और साड़ी पहन लूँगी। मैंने चूड़ी उड़ी सब कुछ पहले से ही रेडी कर लिया है, ताकि अब कितना सब कुछ ढोकर के ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पहले ही चूड़ी उड़ी पहन लिया। तो फिर मिलते हैं, मैं वहाँ पर चल करके दीदी के घर में अपने बने रही हूँ। दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं और ये बिल्कुल भी बारात में ये लड़का रहने नहीं दे रहा है, इतना ये परेशान कर रहा है ना। देखिए इसका देखिए कहानी, ये क्या कर रहा है, एक मिनट भी उधर टिकने नहीं दे रहा है किसी को, अपनी मम्मी को इतना परेशान कर रहा है। फिर उधर बाहर देख रही है, बार बार अंदर ही भाग करके आ रहा है। तो मैं इसको अंदर लेकर के आई, अभी देखिए ये चाय भेजेगा। चिकू चिकू इधर देखो क्या कर रहे हो, देखिए चाय पी रहा है। चिकू क्या पी रहे हो? चाय बोला है, चाय। हाय देखिए
चाय पी रहा है बाबू, मुझे भी पिलाओ, मुझे दो, मुझे मुझे दो, हाँ मुझे पिला दो, चाय पिला दो, चाय पिला दो मुझे। मैं पीलू, मैं पीलू इसमें, मैं चाय पी लूँ। हाँ तुम चाय पिएगा। पूरा घर में ऐसे ही घुमा रहा है। चाय चलिए आप ब्लॉग में बनी रहिए, मैं दिखाती हूँ इसका शरारत। ए चाय 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 लाओ, चाय लाओ। बाबू अभी सब लोग तुमको पीटेंगे। अरे राम ने सब चीट दिया। ए लड़का बस खेलने को खोज रहा है कि सब चीट चीट करके हम खेले। बाहर एक भी मिनट रुक ही नहीं रहा है। अभी आ रहे लो, सब लोग तुमको भगाएंगे। और देखिएगा क्या सब चुरवा भगवान सब घुमा था। अरे ये भगवान इसको क्या करे। चिकू ये देखो क्या है, ये देखो बाबू। ए चाय अभी आ रही है, आ रही है, मौसी तुमको पीटेगी। चाय मम्मी, चाय नहीं खे। क्या पी रहे हो बाबू, क्या है, क्या है? हाँ चाय मांगे। ए चलो चलो जाओ, काटेगा जाओ। अरे काटू है उधर। बदमाश, 200 किलोमीटर बाइक से हम आए हैं। बाप रे इतना थक गया ना कि एकदम हमको मतलब शादी में बिल्कुल भी एंजॉयमेंट हमको लग ही नहीं रहा है। मन कर रहा है अभी कहीं कोने में जाकर के सो जाए। हाँ जो स्टेज पे जाता है वो होटल बनी।